हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दिस इज द पार्ट ऑफ अवर बायनोमियल नोमेनक्लेचर। नाउ स्टार्ट दिस टॉपिक, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इन 1948 इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी एंड इन 1950 इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस set the various rules for binomial nomenclature. 1948 में जो है International Congress Zoology और International Botanical Congress 1950 में जो है हुई, तो उसमें जो है binomial nomenclature के जो है कुछ rules जो हैं डिसाइड किए गए। To provide for uniformity and to avoid confusion, 12th International Congress at Leningrad in 1975 laid down certain general principles of nomenclature. तो 12th International Congress जो है Leningrad के अंदर हुई 1975 के अंदर, उसमें कुछ principle दिए गए nomenclature के ऊपर, which were published in 1978 in the form of International Code for Botanical Nomenclature एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये जो है जो इंटरनेशनल 12th इंटरनेशनल कांग्रेस थी, ये लिनग्रैड में 1975 में हुई थी, इसमें जो प्रिंसिपल डिसाइड किए गए नोमेनक्लेचर के, वो जो है पब्लिश हुए 1978 के अंदर। और ये जो है फिर बाद में जो है कोड बने, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर को ये फिर रिप्रेजेंट किया इन्होंने, और ये कोड बने इनके लिए, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के लिए और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए जो है इंटरनेशनल कोड्स तैयार हो गए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दिस हैज बीन डन कीपिंग इन माइंड टू पुट द नोमेनक्लेचर ऑफ पास्ट इन ऑर्डर। तो इसमें जो है ये भी ध्यान रखा गया कि पास्ट में जो है जितने भी नोमेनक्लेचर दिए गए हैं, जो रिलेवेंट हैं, जो कुछ हद तक सही हैं, तो उनको भी माइंड में रखा गया और उनको भी जो है इंक्लूड किया गया इस नोमेनक्लेचर के अंदर। इट आल्सो प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर फ्यूचर नोमेनक्लेचर, और इसमें गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की गई कि फ्यूचर में जो है नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाएगा प्लांट्स और एनिमल्स का। तो ये तो था इसके बारे में थोड़ा सा जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही हम इसको बोलेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है बताया गया था कि कब जो है ये इंटरनेशनल कांग्रेस फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कांग्रेस फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर हुआ, तो उसके बारे में था थोड़ा सा डिस्कशन। अब उसके बाद है, लेंजाउस गेव द फॉलोइंग प्रिंसिपल फॉर क्लासीफाइंग द प्लांट्स। अब लेंजाउ ने कुछ जो है प्रिंसिपल दिए हैं मेनली प्लांट्स के लिए, प्लांट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा, कैसे उनकी जो है नेमिंग होगी, तो उसके लिए जो है लेंजाउ ने कुछ प्रिंसिपल दिए थे। उसमें सबसे फर्स्ट जो बताया गया है वो है, डिफिकल्ट एंड लॉन्ग जेनरिक नेम शुड बी अवॉइडेड। तो इसमें बोला गया कि जो डिफिकल्ट और जो लॉन्ग जेनरिक नेम है, तो उनको जो है हमें अवॉइड करना है, वो जो है नहीं रखे जाएंगे उसके अंदर जो है। तो डिफिकल्ट और जो है लॉन्ग जेनरिक नेम शुड बी अवॉइडेड। सेकंड, स्पीसीज शुड नॉट बी आइडेंटिफाइड ड्यू टू इट्स साइज। तो स्पीसीज को उसके साइज के बेसिस पे, बड़ा है छोटा है, साइज के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। कलर शुड नॉट बी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंस। तो कलर के बेस पे हम कोई डिफरेंस जो है क्रिएट नहीं कर सकते हैं। स्पीसीज शुड हैव ए स्मॉलर नेम। तो स्पीसीज का जो है नेम स्मॉल होना चाहिए। एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनरिक नेम। हर एक स्पीसीज का जो है जेनरिक नेम होना चाहिए। तो ये जो है लेंजाउ के कुछ जो है प्रिंसिपल थे, जो उसने मेनली जो है प्लांट्स की नेमिंग के लिए जो है दिए थे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इन दिस फ्यू कॉमन रिकमेंडेशन फॉर नोमेनक्लेचर। तो इसमें कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं जो नोमेनक्लेचर के लिए, हम बोल सकते हैं कि ये रूल्स भी हैं नोमेनक्लेचर के लिए, जो हमने थोड़े बहुत जो है स्टार्टिंग में जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जो क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर पढ़े थे, उसके अंदर जो है हमने डिस्कस किए हैं, जहाँ पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का पार्ट टू हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें रिकमेंडेशन का, प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी गिवन इंडिपेंडेंट नेम्स। तो प्लांट और एनिमल जितने भी होते हैं उनको इंडिपेंडेंट नेम देने जो है कंपलसरी है।
हमें उनको इंडिपेंडेंट नेम देने पड़ेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि प्लांट्स और एनिमल को हम सिमिलर नेम कभी भी नहीं दे सकते। तो फर्स्ट पॉइंट, प्लांट एंड एनिमल शुड बी गिवन इंडिपेंडेंट नेम। सेकेंड इज द जीनस शुड हैव इट्स फर्स्ट लेटर एज कैपिटल एंड स्पीसीज विद फर्स्ट लेटर एज स्मॉल। तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है तो वो जो है कैपिटल में लिखा जाएगा, जबकि जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। तो ये जो है हमने पीछे भी पढ़ा था बाइनरी नोमेनक्लेचर के सेकंड पार्ट के अंदर, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस। ये भी हमने किया हुआ है कि फर्स्ट वर्ड जो है जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट स्पीसीज, ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, एंड थर्ड इफ प्रेजेंट, अगर जो है थर्ड प्रेजेंट है तो इट रिप्रेजेंट द सब स्पीसीज और वराइटी। तो ये सब स्पीसीज या वराइटी को रिप्रेजेंट करेगा। द साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटालिक्स। तो जो साइंटिफिक नेम है वो इटालिक्स में जो है लिखे जाएंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट रिकमेंडेशन, करेक्ट एंड ओरिजिनल स्पेलिंग ऑफ नेम्स शुड बी मेंटेन्ड। तो करेक्ट और ओरिजिनल जो स्पेलिंग्स हैं नेम की, वही जो है मेंटेन रखनी पड़ेंगी इसके लिए। नेम ऑफ ऑथर शुड बी रिटर्न आफ्टर दिस स्पेसिफिक नेम इन रोमन टाइप एंड विदाउट कॉमा बिटवीन देम। अगर ऑथर का नाम लिखा लिखना है तो ऑथर का नाम जो लिखा जाएगा स्पेसिफिक नेम के बाद ही लिखा जाएगा, ये भी हमने पीछे जो स्टडी किया था। तो वो जो है रोमन टाइप में ही लिखा जाएगा, विदाउट कॉमा बिटवीन देम, और कोई भी कॉमा उनके बीच में नहीं लगेगा, स्पीसीज और जो है ऑथर के नेम के बीच में कोई कॉमा इंक्लूड नहीं होगा, विदाउट कॉमा वो हमें लिखना पड़ेगा ऑथर का नेम। पीछे हमने इसका एग्जाम्पल भी किया हुआ है पार्ट टू जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, उसके अंदर। विद इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम नो टू जेनरा कैन हैव द सिमिलर नेम एंड विद इन जीनस नो टू स्पीसीज कैन हैव द सेम नेम। तो विद इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम नो टू जेनरा कैन हैव द सिमिलर नेम। तो कोई भी प्लांट और एनिमल्स किंगडम के अंदर कोई भी दो जेनरा जो होंगे, चाहे प्लांट का जेनरा है चाहे एनिमल का जेनरा है, जीनस है, तो वो उनके जो है नेम सिमिलर नहीं हो सकते। तो मतलब दो जीनस कभी भी सिमिलर नहीं होंगे दो प्लांट के लिए। एंड विद इन जीनस नो टू स्पीसीज कैन हैव द सेम नेम। और उसी तरीके से किसी जीनस की जो स्पीसीज होंगी तो उसमें दो स्पीसीज के सेम नेम नहीं हो सकते हैं। तो ये भी जो है रूल्स के अंदर डिसाइड किया गया है कि सेम नेम ना ही जीनस के जो है किसी प्लांट और एनिमल के जीनस के सेम नेम होंगे दो जेनरा के, और ना ही दो स्पीसीज के सेम नेम होंगे। तो ये इन्होंने क्लियर किया है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट रिकमेंडेशन नंबर 8, दे शुड बी इजी टू प्रोनाउंस। तो ये इजी होने चाहिए प्रोनाउंस करने में। द नेम शुड रेफर टू सम इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ द प्लांट। तो नेम जो होगा वो रेफर करेगा इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स को जो है प्लांट की। द नेम शुड बी इन लैटिन और कैन बी इजिली कन्वर्टेड इन टू लैटिन। तो नेम जो है लैटिन्स के अंदर होने चाहिए और ये जो है आसानी से लैटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाने चाहिए। द नेम शुड नॉट कंटेन लेस देन 3 एंड मोर देन 12 लेटर। तो नेम के अंदर जो है शुड नॉट कंटेन, उसके अंदर लेस देन 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए कोई नेम, और ना ही जो है 12 लेटर से ज़्यादा होने चाहिए नेम के अंदर। तो ये भी जो है कंडीशन रखी कि 3 से कम जो है उसमें लेटर नहीं होने चाहिए किसी नेम में, और ना ही जो है 12 से ज़्यादा होने चाहिए। नाउ कमिंग टू एडवांटेजेस ऑफ बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर सिस्टम। अब जो है बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर सिस्टम की क्या एडवांटेजेस हैं वो बताई गई हैं। इसी तरीके से हमने वर्नेकुलर नेम्स की भी पढ़ी थी पीछे जो है, और उनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पढ़ी थी। इसमें हम एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं वो बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर सिस्टम की। द बायोलॉजिकल नेम्स आर सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बायोलॉजिकल नेम जो है सेम रहेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो है सेम होंगे। अगर हम किसी भी कंट्री में चले जाएंगे तो वहाँ पर वो जो है साइंटिफिक नेम सेम रहेगा, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था। दे आर यूनिफॉर्मली बाइनोमिनल। तो ये जो है यूनिफॉर्मली बाइनोमिनल रहेंगे, मतलब ये जो है दो वर्ड से मिलकर बने होंगे, जीनस और स्पीसीज से। दे आर डेफिनेट एंड एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। तो ये डेफिनेट होंगे और पूरे यूनिवर्स के अंदर ये एक्सेप्ट किए जाएंगे। दे आर डिस्क्रिप्टिव। तो ये डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करेंगे,
दे इंडिकेट दी जर्नल रिलेशनशिप, तो ये जर्नल रिलेशनशिप को इंडिकेट करेंगे। बायोलॉजिकल नेम हैव बीन डिराइव्ड मोस्टली फ्रॉम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस, तो बायोलॉजिकल नेम जो है लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, तो उनका एक बेनिफिट है बोथ आर डेड लैंग्वेजेस, ये दोनों ही डेड लैंग्वेजेस हैं, हैंस देयर इज नो चांस ऑफ चेंजिंग द मीनिंग ऑफ देयर वर्ड्स, तो उसमें जो उनके मीनिंग के जो वर्ड्स का मीनिंग है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, तो ये इसका जो है इसलिए इसको जो है लैटिन और जो है ग्रीक के अंदर लिखा जाएगा साइंटिफिक नेम को, ताकि इसका कोई और मतलब ना बने। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, एन इनकोरेक्ट नेम कैन बी इजिली सेट राइट, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में इस तरीके का सिस्टम तैयार किया गया है कि कोई अगर इनकोरेक्ट नेम भी है उसको भी हम जो है राइट मतलब सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ऑल न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी नेम्ड एंड डिस्क्राइब्ड इजिली, जितने भी न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट्स और एनिमल जो होंगे उनको हम उसके अंदर नेमिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं और उनको जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं इजिली। तो ये थी एडवांटेजेस इसकी, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, कुछ इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में किया, उसके बाद हमने जो है लैंजॉस के जो प्रिंसिपल्स हैं प्लांट्स की नोमेनक्लेचर के, तो उसके बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने रिकमेंडेशन पढ़ी नोमेनक्लेचर की, और लास्ट में हमने आज एडवांटेजेस किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम का। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।